खालिस्तान की गल उठ जाती है बार बार, मतलब कि खालिस्तान के सामने एक महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज भी सी, मतलब कि तुहाडा नज़रिया की है बतौर एस जी पी सी प्रधान के तौर पर, बतौर हजिंदर सिंह धामी के तौर के उपर, तुम किवें वेख रहे हो? महाराजा इनका सेंस जो 38-39 साल का राज सी, उस राज दे विच कोई लोग औखे ना सी, सुखी रहिंदे सी, और उन्हें एक कख दे नाल सारयां नूं देखिया, सारे धर्म प्रमोट कीते। हुण जिहड़ा राज आ उह लोकां दी वोट दे विचों निकलदा, पर बहुतात जिहड़ी आ जिथे लोकां ने भुगतना आ उहनां दी होणी आ। हुण तां सिस्टम ही साडा बहुत कमजोर हो गया, आपां तां हुण धर्मां 'च वंडियां, जात पात 'च वंडियां। संकल्प को मजबूत करना तो लोकतंत्र का भी लगता यही वड्डा थंब है, इसे यही पिलर भी है, स्ट्रोंग करना। लोकतंत्र जिहड़ा बिल्कुल ठीक है गल, पर लोकतंत्र दे विच कई बार सिख हित जिहड़े आ हरस रखे तो नहीं रखते, ते बारे ये सारा एक समतल से सारयां नूं इक्को जिहा राह चाहीदा, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच लोकां दी आवाज जिहड़ी वी सुननी चाहीदी। आखिर च मैं एक सवाल पूछना चाहवांगा, खालिस्तान नाल रिलेटेड नहीं है, खालिस्तान की गल उठ जाती है बार बार, मतलब कि खालिस्तान के सामने एक महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज भी सीगा, मतलब कि तुहाडा नज़रिया की है बतौर एस जी पी सी प्रधान के तौर पर, बतौर हजिंदर सिंह धामी के तौर के उपर, तुम किवें वेखते हो? मंग उठ जाती है फिर तुहानू इस दे पर, सारे पत्रकार भी पुछते हैं, समाज भी पुछता, तुहाडा बयान की है कि जदों महाराजा रणजीत सिंह का टाइम सीगा, सिख राज सीगा, वो टाइम वधिया सीगा, उस तरीके का होना चाहिए, या जिहड़ा अपना सैटअप चल रहा यही अच्छा है, इसे सुधार होना चाहिए, क्योंकि अलग देखो वॉइसिज बहुत ज़्यादा होंगे, असी देखना होंगे कि कौन सी चीज़ है, तुम किवें देखो, तुहाडा नज़रिया की है? जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह का राज सी वो सीगा महाराजा, वो महाराजा इन द सेंस सी जे 38-39 साल का राज सीगा, उस राज दे विच कोई लोग औखे ना सी, सुखी रहिंदे सी, और उन्हें एक कख दे नाल सारयां नूं देखिया, सारे धर्म प्रमोट किते। उस तों बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज भी आया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी एक कख नाल देखिया, उत्थे सारे लोग सुखी सी, चाहे बहुतात दे विच अपने कह लो मुसलमानां नाल लड़ाई झगड़े भी चले, पर एक तरह हुण जिहड़ा राज आ उह लोकां दी वोट दे विचों निकलदा। उस वेले राज सत्ता का सिस्टम अपनी किस्म का सी, पर बहुतात जिहड़ी आ जिथे लोकां ने भुगतना आ उहनां दी होणी आ। सो राज कोई भी होवे सुरक्षित होवे लोकां नूं, हुण तां सिस्टम ही साडा बहुत कमजोर हो गया, आपां तां हुण धर्मां 'च वंडियां, जात पात 'च वंडियां, फिर अपने सारे छुआ छात 'च वंडियां, क्योंकि उन्हां सियासी रोटियां जिहड़ियां उह छेती सेकियां जांदियां, ते उहदे पिछे पोलीटिकल मोटिव ही हुंदा आ। सो गुरु साहिब किरपा करन, जिहड़े गुरु दे संकल्प ते आ जाईए, ते गुरु दा संकल्प की आ? गुरु दा संकल्प आ जिहड़ा सचखंड श्री दरबार साहिब 'च आ, उत्थे जेले कोई बूहा चारे पासे कोई किसे नूं अड़चण नहीं। हाँ, ये कहा जाता भी यार कोई नशे वाली चीज़ ना लैके जाए, पवित्र सरोवर च इनान करते कोई रोकया नहीं जाता, जाके सचखंड नामस्कार करते, तीन तीन घंटे लोग खड़े रहिंदे आ, उत्थे दो चार सेकेंट छे सेकेंट मसा टाइम लगता, कीर्तन सरवण करते, देख दे विच कोई वितकरा नहीं, कोई देखा जाता भी पर हो जा, फिर लंगर के विच कोई वितकरा नहीं, रहन सहन दे विच कोई वितकरा नहीं, यो सिक्की का संकल्प आ, ते जिहदे संकल्प दे विच सारे ही सैक्ट जिहड़े सुखी होण, तो यो असी कामना करते हाँ। संकल्प को मजबूत करना तो लोकतंत्र का भी लगता यही वड्डा थंब है, इसे यही पिलर भी है, स्ट्रोंग करना। लोकतंत्र जिहड़ा बिल्कुल ठीक है गल, पर लोकतंत्र दे विच कई बार सिख हित जिहड़े आ हरस रखे तो नहीं रखते, अब जिदा हुण बंदी सिंघां दी आपां गल करते हाँ, फिर बंदे दे विच मन दे विच कुदरती सुभाविक तौर पर रोस आना वाजबे आ, ते पर ये सारा एक समतल से सारयां नूं इक्को जिहा राह चाहीदा, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच लोकां दी आवाज जिहड़ी वी सुननी चाहीदी आ। ते लोक होवे क्योंकि पीपल्स वॉइस है, अगर पीपल्स वोट है तो वॉइस भी उन्हां दी हैगी है। जे 49 ते 51 हो जांदियां, फर्क तो एक वोट का ही आ, फिर 51 वाला राज करदा, 49 वाला है, तो वह भी एक दिन वोट का फर्क, तो यो डेमोक्रेसी का संकल्प आ। आप लैके चलीए तो चंगे राज की जी आप गल करते होना चाहिए, चंगे गुरु साहब जी कृपा करो।